दोस्तों बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी क्या अब महज कुछ दिनों की मेहमान है, और एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ में जो मोदी को अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं, क्या चिराग पासवान के साथ में एक बार फिर से वही होने जा रहा है। खबर इसलिए क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, और बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर के सामने आई है वो आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरी बड़ी खबर इसके साथ साथ बिहार से ही चौंकाने वाली खबर, नीतीश कुमार का खेमा जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू विपक्ष के साथ में आ गई है। तो बड़ा मुद्दा, और उस मुद्दे को लेकर के चाहे चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो, इस वक्त में बीजेपी के अंदर ये दोनों नेता असहज हैं, और दोनों नेताओं की असहज होने की वजह से अब बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है कि क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों या तो बाहर कर दिए जाएंगे या खुद बाहर हो जाएंगे। चिराग पासवान क्या वाकई बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस ने मुलाकात की, और उसके बाद में मुकेश रोशन विधायक उनका बयान सामने आया है। मुकेश रोशन ने कहा है कि चाचा पशुपति पारस वो अमित शाह से मिल चुके हैं, तीन विधायक चिराग पासवान के वो भी मिल चुके हैं, और चिराग पासवान को अब टाटा बाय बाय किया जाएगा। वजह क्या है? वजह चार है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार वजह है, चार वजह है। और जिसमें सबसे पहली वजह लेटरल एंट्री का मामला, दूसरी वजह जातीय जनगणना का मामला, तीसरी वजह एससी एसटी का मामला जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और उसके बाद में चौथी वजह जो अभी सामने आई वो वजह वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के। तो चार बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमित शाह के साथ में, बीजेपी के साथ में चिराग पासवान कंफर्ट नहीं है, और उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया। अब खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, खबर जो है वो एनडीटीवी की है, और इस खबर के अंदर एनडीटीवी की इस खबर में लिखा है कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं। यह सवाल चिराग पासवान से पूछा गया, वीडियो में आपको सुनवाने वाला हूं, और सवाल जो है वो था कि बीजेपी के साथ में महत्वपूर्ण मतभेद आपके निकल करके सामने आ रहे हैं, और इनकी अटकलों पर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं एक बार जरा सुनिए। होने वाली है, कई नेता भाजपा के संपर्क में है। भाई सुनिए ना, कांच की हांडी बार बार नहीं झड़ती, ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा। मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं, हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। चिराग पासवान ने यहां पर जो कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन आखिरी लाइन में अगर आपको लग रहा है कि चिराग पासवान ये कह रहे कि विपक्ष के ये मंसूबे हैं या विपक्ष ऐसे सपने देख रहा है, दरअसल उन्होंने सारी बातें, अगर आखिरी की लाइन उनकी ये पूरी बाइट आपने सुनी है, इसमें आखिरी की लाइन विपक्ष हटा दीजिए तो सारी बातें उनकी जो इशारा कर रही है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरफ कर रही है, और ये सारी बातें घूम फिर करके चिराग पासवान की तरफ से ये इशारा करके कहा जा रहा है कि देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब विपक्ष ने तो काठ की हांडी नहीं चढ़ाई थी, काठ की हांडी तो मोदी और अमित शाह ने चढ़ाई थी जब चाचा पशुपति पारस उनको अपने साथ में ले लिया, पार्टी भी उनको दे दी, सिंबल भी उनको दे दिया, बंगला भी उनको दे दिया, सब कुछ तो उनको दे दिया। तो ये काठ की हांडी विपक्ष ने नहीं चढ़ाई थी, काठ की हांडी मोदी जी की तरफ से चढ़ाई गई थी। तो यानी चिराग पासवान सीधे तौर पर अब मोदी जी को कह रहे हैं, अमित शाह को कह रहे हैं कि आप ये मुलाकात करके जो मुझे डर डर दिखा रहे हैं ये सही नहीं है।
तस्वीर वायरल हो रही है और ये चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और अमित शाह की तस्वीर है। अमित शाह के साथ में मुलाकात हुई है पशुपति पारस की दिल्ली के अंदर, और इससे पहले इनकी मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में भी हुई है बिहार में। तो क्या बिहार से लेकर के और दिल्ली तक पूरे तार बिछ चुके हैं और अब चिराग पासवान बाहर होने वाले हैं और चिराग पासवान अकेले बाहर जाएंगे, चिराग पासवान को अकेले बाहर कर दिया जाएगा जैसे सांसदों को पिछली बार उनके पीछे से खींच लिया गया था, क्या इस बार भी उनके सांसदों को खींच करके अकेले उनको रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा कि चलो जाओ अब अपना रास्ता नापो, या चिराग पासवान अपने सांसदों को लेकर के और बाहर निकल जाएंगे। अब आप कहेंगे चिराग पासवान का फायदा क्या है, चिराग पासवान वहां पर सरकार में है, कैबिनेट मंत्री है, ये सिर्फ हवाबाजी है। हो सकता है कि हवाबाजी हो, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त में बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है और बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यह बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को 10 सीटें देने वाली है। अगर चिराग पासवान यहां से गठबंधन से बाहर निकल करके जाते हैं, एनडीए के साथ से गठबंधन से बाहर निकल करके जाते हैं, तो चिराग पासवान 10-15 सीटें तो हो सकता है कि अपने बलबूते पर फिर जीत जाएं, क्योंकि जनता बागी को जो है वो जिस तरीके से सिर आंखों पर बैठाती है, ये इतिहास है, उस तरीके से आपके जी हजूरी करने वाले नेताओं को साथ नहीं बैठाती है। और अगर यहां पर बगावत करके चिराग पासवान ये कहकर के जाते हैं कि लेटरल एंट्री का मामला आया तो मैं बोला, वक्फ बोर्ड बिल का मामला आया तो मैं बोला, SC ST का मामला आया तो मैं बोला, और जातीय जनगणना का मामला आया तो भी मैं बोला, ये चार बड़े मुद्दे जिनको लेकर के चिराग पासवान अगर इस गठबंधन से बाहर जाते हैं तो 10 सीटें वो अपने बलबूते पर जीत भी सकते हैं और बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार को सरकार से बाहर भी कर सकते हैं। और उसके बाद में चिराग पासवान के और तेजस्वी यादव दोनों युवा, दोनों साथी भी रहे हैं, दोनों दोस्त भी हैं, बहुत सारे मौकों पर उन्होंने कबूल भी किया है, वो नए गठबंधन के अंदर जो दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुना देता हूं, चिराग पासवान का एक बयान सुनिए। चिराग पासवान कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए और इससे सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको मदद मिलती है, उनको मदद मिलती है कि वो अपने यहाँ पर स्कीम बना सके। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी कल भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उस पे गृह मंत्री का जो है आया, आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप अगर वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो उनको आप मंदिर को धुलवाने का काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि ओबीसी को लेकर के भी आपके मन में इतनी जातीय नफरत है, तो SC ST के लिए आपके मन में कितनी नफरत होगी। जब आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के मंदिर जाने पर मंदिर को धुलवा सकते हैं, धुलवाते भी हैं, तो आप SC ST के साथ में क्या भेदभाव करते होंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेटरल एंट्री का जब बात निकल करके सामने आई और लेटरल एंट्री को लेकर के सरकार जब फंसती हुई निकल दिखाई दे रही थी, उस वक्त में चिराग पासवान वो नेता थे जो सबसे पहले सामने आकर के मुखर होकर के बीजेपी का विरोध कर रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी
स्पष्ट राय रखती है कि सरकारी कोई भी नियुक्ति हो उसमें आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं और इसे सरकार के समक्ष रखूंगा, ये लेटरल एंट्री पर। लेकिन चिराग पासवान को साथ ही साथ घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान भी अब जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, तो चिराग पासवान के इस बयान पर तेजस्वी ने मजे लेते हुए कहा कि भाई वो तो सरकार का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, सरकार जो है वो चाहे तो करवा दे जातीय जनगणना, सरकार नहीं करवा रही तो इसका मतलब चिराग पासवान भी नहीं करवा रहे। हम लोग तो पूरे शुरू से ही मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए, वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनी अकड़नी में तो भारी अंतर इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गन्ना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल लाइन में भी लोग नहीं डाल, तो ये होना चाहिए। एक तरफ चिराग पासवान सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार जो खुद ठंडे बस्ते में रहते हैं लेकिन अपने नेताओं के जरिए एक एक करके संदेश लगातार भिजवाते रहते हैं, और अब चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार ने देश में जातिगत जनगणना की जेडीयू ने उठाई मांग मीटिंग में विपक्ष के साथ में। और ये पुरानी खबर नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये 29/8/2024 की खबर है। देश भर में जातिगत जनगणना की जेडीयू ने उठाई मांग मीटिंग में विपक्ष के साथ में। तो आप देखिए कि विपक्ष के साथ में अब जेडीयू नजर आ रही है, नीतीश कुमार विपक्ष के साथ में नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे विपक्ष के साथ में अब एनडीए की अहम सहयोगी जेडीयू ने भी सुर में सुर मिला दिया है। गुरुवार को जेडीयू ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति में चर्चा के लिए जाति आधारित जनगणना को विशेष रूप से शामिल किया जाए। डीएमके के सदस्य टीआर बालू ने समिति की पहली बैठक में यह मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्य गणेश सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। संसद सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर चाहते हैं कि समिति चर्चा के लिए सबसे पहले विषय के रूप में जाति आधारित जनगणना को सूचीबद्ध करें। टीएमसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने उनका समर्थन किया। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू सदस्य गिरधारी यादव भी चाहते थे कि समिति द्वारा चर्चा के लिए जाति आधारित जनगणना को भी मुद्दे के तौर पर सूचीबद्ध किया जाए। कल्याण बनर्जी ने मांग की कि समिति जाति आधारित जनगणना कराए जाने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे। भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि आरक्षण के दायरे में अनुबंध और अस्थायी आधार पर की जाने वाली भर्तियां नियुक्ति को भी शामिल किया जाए। तो ये जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के भी कुछ लोग और जेडीयू के तरफ से भी अब ये मांग उठाई जा रही है और जोर शोर से उठाई जा रही है कि आप जाति आधार पर जनगणना कराएं, यानी जातिगत जनगणना कराएं। और यही बड़ा मुद्दा चिराग पासवान का भी है। तो क्या बीजेपी पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएगी? सवाल इस बात का है। लेकिन आप देखिए कि इस बार जो एक एक पार्टी के सांसद हैं वो भी नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान को पैदल करना बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन ऐसा लगता है कि चालू कर दिया गया है, या बीजेपी ऑपरेशन चालू करके दिखाना चाहती है जिस तरीके से अमित शाह ने मुलाकात की है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।